पहले चरण की वोटिंग में महज 7 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक बीजेपी का घोषणा पत्र सामने नहीं आया। सूत्रों की माने तो इस देरी की असल वजह वो नीतियां हैं जिन पर मोदी और जोशी आमने सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी में न सिर्फ नेता बदला, युग बदला, बल्कि नीतियों के दस्तावेज घोषणा पत्र में भी बदलाव की हवा बहने लगी है। घोषणा पत्र जारी करने की तारीख दर तारीख बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी और पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बीच नीतियों के सवाल पर गंभीर मतभेदों की वजह से घोषणा पत्र का ऐलान लटक गया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, घोषणा पत्र तय तारीख के मुताबिक यानी 7 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो को बहुत देरी हो रही है, 7 दिन बचे चुनाव, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। घोषणा पत्र में देरी के सवाल पर नेताओं की अपनी अपनी सफाई है। हालांकि देरी के पीछे नीतिगत मुद्दों पर मतभेद को ही असल वजह बताया जा रहा है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के नीतिकारों के बीच आर पार शुरू हो चुका है। सूत्रों का दावा है कि नरेंद्र मोदी के नीतिकार घोषणा पत्र से राम मंदिर के सवाल को दूर रखना चाहते हैं, जबकि मुरली मनोहर जोशी घोषणा पत्र में राम मंदिर के मुद्दे को पहले की तरह अहमियत देने के पक्षधर हैं। मतभेद का दूसरा बड़ा मुद्दा खेती और कृषि रोजगार से जुड़ा है, जिसमें नरेंद्र मोदी खेती के आधुनिकीकरण में कॉरपोरेट की सहभागिता को शामिल करना चाहते हैं, जबकि मुरली मनोहर जोशी परंपरागत खेती में सुधार के साथ जैविक खेती पर बल दे रहे हैं। खेती में कॉरपोरेट की सहभागिता के वो खिलाफ हैं। मतभेद आर्थिक सुधारों को लेकर भी खड़े हैं। मोदी आर्थिक सुधारों में तेजी के पक्षधर बताए जा रहे हैं, जबकि मुरली मनोहर जोशी संसाधनों की लूट और आर्थिक सुधारों की समीक्षा कर नए सिरे से नीतियों को तय करने की वकालत में जुटे हैं। अहम पेच नदियों को जोड़ने पर भी खड़ा है। मोदी से जुड़ा वर्ग पूरे देश में नदियों को जोड़कर वाटर ग्रिड बनाने की वकालत कर रहा है, जबकि मुरली मनोहर जोशी इसे पर्यावरण के लिए विनाशकारी बताकर कुदरती तौर पर आपस में जुड़ने वाली नदियों का नेटवर्क बनाने की बात पर अड़े हुए हैं। बीजेपी में मोदी की इस नई सोच की पहल को परंपरागत नीतियों से टकराव माना जा रहा है, जिसमें बीच का रास्ता बनाने में नेता जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा पहले की तरह घोषणा पत्र में शामिल रहेगा। बीजेपी में नीतियों के सवाल के मतभेद के बीच घोषणा पत्र में देरी से नया सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक से इतर घोषणा पत्र में संशोधन की नई कोशिश अचानक क्यों शुरू हो गई, जबकि घोषणा पत्र के मसौदे को पार्टी ने अंतिम रूप दिया था। संकेत साफ है कि नेता बदलने के साथ ही बीजेपी में नीति बदलने का दौर भी अब शबाब पर पहुंच चुका है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।